सब्सक्राइब कीजिए संस्कृत दर्शन चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं, जिससे संस्कृत से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। संधि प्रकरण संपूर्ण हो चुका है। अब मैं इसमें कोशिश करूंगा कि संधियों को एक एक करके हम देखते हैं तो आगे की देखते जाते हैं और पीछे की हम भूलते जाते हैं। ये हमारे साथ ही समस्या नहीं है, सभी के साथ समस्या होती है और इसके लिए दुनिया में शॉर्ट विधि इतनी अधिक चल गई है कि वो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाती। तो इसके लिए एक और विकल्प है। पहला विकल्प था कि इसको पहले डीप स्टडी की जाए, गहराई से इसका अध्ययन किया जाए, गहन अध्ययन किया जाए और उसके बाद में इसका सार जो होता है उसको देख लिया जाए। फिर हम सार देख लिया जाए, उसमें अगर हमको ध्यान आती जाती है, हम उसको फिर रिकॉल किया करें, इस चीज को पीछे की स्मृति में वापस जाएं, शॉर्ट विधि को जो सूक्ष्म विधि है, छोटी विधि है, उसको देखते जाएं, करते जाएं और पीछे की बातें भी सूत्रों के द्वारा उनको याद करते जाएं, कहीं अटक जाएं तो उसमें जाकर के हम उसको देख लें। फिर ये क्या होगा कि हमारे जो मस्तिष्क है, अवचेतन जो मन है, उसमें जाकर के सही से ये स्थिर हो जाएगी और फिर भूलने की जो व्यवस्था है दिमाग की वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा आज स्वर संधियों के बारे में लगभग आपको सारी जो पीछे की मैंने सूत्रों के द्वारा समझाई थी संधियां उनको शॉर्ट विधि देने की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो मैं डाल देता हूं यहां स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि है। अब स्वर संधि में याद रखना, जो भी मैंने सूत्र समझा दिए हैं मैं उसके द्वारा अब यहां सूत्रों पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधे अक्षरों से संधियों का निर्माण हुआ है, ना कि संधि के सूत्रों से अक्षरों का निर्माण हुआ है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मैं यहां थोड़ा सा यह लिख दूं, जो हमारे मूल स्वर थे आ ई उ री और ली। ठीक है, आ ई उ री ली, ये पांच मूल स्वर संस्कृत में माने जाते हैं। हिंदी में चार को माना जाता है, संस्कृत में भी ली जो प्रयोग किया जाता है वो ज्यादातर वैदिक में ही प्रयोग किया जाता है। तो हम अब इसमें हमारे पास मात्र ये ह्रस्व के रूप में मौजूद हैं, अब इनको हम दीर्घ रूप में लाएंगे। तो यहां मैं क्रम से लिखता चलूं। दीर्घ संधि का नंबर एक है, ठीक है, दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि का नाम कैसे पड़ा, अब इसको यहां लिख लेते हैं आ ई उ री। मैं लिरी नहीं लिखूंगा, पहले भी छोड़ दिया था, इसका मैं कारण बता चुका हूं, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। आ ई उ री, थोड़ा ध्यान देंगे तो बातें साफ होती चली जाएंगी। हमारे पास इस समय ह्रस्व ही है, इसलिए हम ह्रस्व को ही जोड़ सकते हैं, घटा मतलब उसको मिला सकते हैं, दीर्घ हमारे पास है ही नहीं। तो क्या बन जाएगा इनका, जब ये दोनों सवर्ण होती हैं तो हमने पढ़ा है इनका दीर्घ हो जाता है री। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये दीर्घ के हैं, याद रखना, जब भी दीर्घ संधि आ जाएगी तो आपको ये चारों अक्षर ही दिखाई देंगे, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत ये चार दिखाई देंगे। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास अब ये मौजूद चारों हो गए, चार ये पहले से थे, अब ये ह्रस्व दीर्घ पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, ये ऊ दीर्घ पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो दीर्घ में ये चार अक्षर है, इनको याद रखना है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। ये चारों अक्षर जब भी आ जाए तो ये आप विश्वास करके दीर्घ संधि में इसमें प्रयोग कर लीजिए। और इसके अध्ययन के लिए, डीप स्टडी के लिए, गहन अध्ययन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक, सारी वीडियो जितनी बताऊंगा मैं सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये मौजूद हो गए, ये हमारा दीर्घ संधि यहां पर समाप्त हो गया। अब हम क्योंकि अभी हमारे पास ना तो ए है ना ओ है आई औ ये कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब उनको कैसे बनाया गया ये देखते हैं। हमारे पास इसको लिख ले, ध्यान लिख लेता हूं मैं क्रम से, आ
ई ऊ री ल्री। ठीक है, यदि आ के बाद में देखते चलना, बिल्कुल एक बहुत ही सरल विधि है ये। यदि आ के बाद में एक जैसा अक्षर आ जाए, सवर्ण आ जाए, तो दीर्घ संधि हो जाती है। यदि इसको हट करके आ के बाद में यदि आ को छोड़ करके कुछ भी आ जाए, जैसे ई रख लेते हैं हम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा। अब मैं इसको यहां पे ई हटा रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। पहले आ को हम ले लेते हैं, एक पोजीशन तो हमने देख ली कि यदि आ के बाद में आ आए तो दीर्घ हो जाता है, और आ के बाद में यदि ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ के बाद में यदि ई आए तो हमने देख लिया, अब देखेंगे ऊ, ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ के बाद में अब यदि रिर आए, रि आए तो क्या हो जाएगा, ये वाला रि, तो ये बन जाएगा अर, ठीक है। और आ के बाद यदि लिर लि आए, ये लि आए तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, ये जो चिन्ह आए याद रखना, ये चिन्ह के रूप में मौजूद होगा ऐसे, और ये ऐसे मौजूद होगा, अर अल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। जब भी ये आए ये याद रखना, ये गुण संधि में ही प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात इनके द्वारा गुण संधि ही होती है, दूसरी कोई भी संधि नहीं होती है। तो अब हमारे पास ये चार अक्षर हैं, चारों में हमारे पास स्वर कितने हो गए, ये दो और हो गए, तो यहां हम लिख सकते हैं इनको ए और ओ। ये चिन्ह जो हैं वो गुण संधि के हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम, हमारे पास शुरू में ये हो गया, अब हम शुरू में इसको लिखते हैं, अब इन अक्षरों को ले लेते हैं शुरू में। तो इसको मैं यहां से मिटाऊंगा जिससे कि आगे बातें साफ होती चली जाए। हमने दो तो पढ़ ली हैं, देखिए हमारा आ ही चल रहा है, तो आ के बाद हमारे पास ये तो सब हो गए, अब ये दो बचे, तो ए रख लेंगे इसमें, तो ये आई का रूप ले लेगा, और आ के बाद में यदि ओ हो तो ये औ का रूप ले लेगा, ठीक है। और ये किस में हो जाएगा, ये वृद्धि संधि में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। ये वाले जो चिन्ह हैं याद रखना, आई और औ, ये दो चिन्ह हैं वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमारे पास स्वर दोनों और हो गए, दो और हो गए, तो पूरा हो गया ये हमारा आई और औ, ठीक है। तो अब हमने तीन संधियों का जान लिया, दीर्घ संधि जान ली, गुण संधि जान ली, वृद्धि संधि जान ली, यदि शुरू में आ हो तो इसके द्वारा, उम्मीद है। और हमारे ये जो वर्ण है, जो अक्षर हैं, वो भी लगभग पूरे हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, और स्वर नौ ही होते हैं, तो तीन संधियों से नौ स्वर पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम लेंगे, अब स्वर तो उत्पन्न होंगे नहीं, तो इसके बाद में हम इन सभी स्वरों को ले सकते हैं, लेना चाहें तो ई ऊ री ली, ठीक है। यदि इन शुरू, ये अक्षर शुरू में हो, पहले आ था अब ये शुरू में हो, और बाद में कोई भी स्वर हो, यहां मैं अची लिख देता हूं सीधे, है ना, इनमें से कोई भी हो, अब इनमें से ई होगा तो ये आप समझ लेना कि दीर्घ संधि हो जाएगी। बिल्कुल भी दिमाग में संधि पैदा नहीं करना है, उलझाव नहीं लाना है। ई के बाद यदि ई आ जाए, अच इसलिए बोला गया कि सभीयों का प्रयोग किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहां जो अच है, अगर ई के बाद ई होगा तो दीर्घ में चला जाएगा, पहले के जो सूत्र याद है उनको याद रखना है। इसमें भी अच है, यदि ऊ के बाद ऊ होगा तो दीर्घ हो जाएगा, ये भी अच है और ये भी अच है, क्या बन जाएगा इसका, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, इसको थोड़ा रखो ऐसे कर लेता हूं, कोई भी। अब याद रखना, वो तो थे
संहिता के रूप में जो हमने तीन पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, वो तो दोनों अक्षरों के मिलने से रूप बदल रहा था दोनों अक्षरों का, ये इन दोनों का, इसको विशेष याद रखना है, तब रूप बदल रहा था, इन दोनों के स्थान पर चेंज हो रही थी, बदल ही आ रही थी, रूप निर्माण हो रहा था। निर्माण होने में दो चीजें लगती हैं, इसलिए यहां निर्माण जब अक्षर पूरे हो गए, हमारे वर्ण पूरे हो गए, तो अब दो की जरूरत नहीं है, अब एक ही काफी हो जाता है इसमें, याद रखना। फिर बता रहा हूं आपको, स्वर जब तक हम पे पूर्ण नहीं थे, हमारे पास पूर्ण नहीं थे, तब तक दो मिलकर के एक बना रहे थे, अब यहां हमारे पास अच पूरे हैं, अब कोई भी अक्षर ये नहीं बनेगा, इसके बाद में अकेला ही स्वर दूसरा रूप धारण कर लेगा दूसरे अच के होने पर, तो ई या का रूप धारण कर लेगा, उ वा का, री रा का, और री ला का रूप धारण कर लेगा। ये जब भी आ जाएं, इनसे पहले यदि आधा अक्षर हो, थोड़ा याद रखना, ये जब भी आए या वा रा ला, क्योंकि एच ओ आय वा या वा सूत्र में भी आय आव आता है, तो वहां दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है इस या और वा और रा ला से पहले, विशेष रूप से या और वा समझिए आप, इनसे पहले जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, और अयाद संधि में वो व्यंजन होगा वो स्वर के साथ होगा, वो आधा नहीं होगा, या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, क्योंकि इसमें अय और आय आता है, अब और आव आता है, ठीक है, तो कौन संधि हो जाएगी, ये यण संधि हो जाएगी, ठीक। तो ये बात साफ हो गई। अब हमारे पास बचे ये वाले, हम इसमें नीचे लिख लेते हैं, ए ओ आई और औ, आपको सही से समझ में आ रही होंगी। आप देखिए, मैंने बताया था ये, फिर ये भी अचमानी है, आप है ना, ये सब अच, ठीक है, यदि कोई अच आए तो इनके स्थान पर एच ओ आई वा या वा, एच के स्थान पर सीधा आई हो जाता है, अब हो जाता है, आय हो जाता है, और आव हो जाता है, ये प्रक्रिया हो जाती है पूरी, अय अव आय आव, ये एक स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, आई के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आव होगा, ये संपूर्ण जो होते हैं वो अयाद में आते हैं, याद रखना, ठीक, इनको अयाद संधि के अंतर्गत रखा गया है। यहां आधा ही है, ये से पहले आधा ही रहेगा व्यंजन, यहां या से पहले आ है, इसलिए व्यंजन कभी भी आधा नहीं रह पाएगा, या तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, क्योंकि बड़ा आ भी मौजूद है हमारे पास, दीर्घ आ भी है और ह्रस्व आ भी है, या तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा या ह्रस्व स्वर में रहेगा, स्वर जो व्यंजन पूर्ण ही रहेगा, लेकिन यहां व्यंजन पूर्ण नहीं रहेगा। तो अब हमने इनको पहले भी रख करके इनको पूरा कर लिया, तो ये संधियां तो हमारी पूर्ण हो गई। कौन कौन संधि थी, पहली संधि थी दीर्घ संधि, दूसरी थी गुण संधि, तीसरी थी वृद्धि संधि, यण संधि, उसके बाद तुम्हारी ये अयाद संधि, इस तरह से ये संधियां पूर्ण हो गई। इनके बाद में भी, इनके भी कुछ अपवाद हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए अब है, क्योंकि शुरू में हम देखिए हरे धन अव, ये है अव, ये हमारे पास इसमें है, आय हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होगा, एंगहा पदांता दति, अर्थात ए जो हो वो पदांत हो, यदि पद के बीच युक्त हो तो उसको कभी भी अयाद संधि नहीं होती, बन जाता है हरे अव, इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि, ठीक है। अब पूर्व रूप संधि की सबसे बड़ी पहचान, सबकी पहचान बता रहा हूं, उसको आप दिमाग में बिठा लेंगे ना सही से, जब भी एस आकार वाला ये चिन्ह आ जाए, यदि संधि करने के लिए आया है तो
आप मान के चलिए कि पूर्व रूप ही होगा। वो कौन संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। यदि ये नहीं है, इस तरह से आएगा, संधि करने के लिए आएगा, संधि विच्छेद के लिए आए तो बहुत ही सरल हो जाता है, ऐसा कर हो जाता है। यदि संधि के लिए आए तो याद रखना पहला जो अक्षर हो, पहला जो शब्द होगा वो पद होगा, सुप्तिगंतम पदम एक सूत्र के द्वारा, यानी कि उसमें धातु पद भी हो सकता है और वो शब्द पद भी हो सकता है, कोई पद हो सकता है। उसके बाद में स्वर आए तो वो याद रखना पूर्व रूप संधि के अंतर्गत ही आएगा। तो स्वर संधि बस यही समाप्त हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ये विश्वास मान के चलिए कोई शॉर्ट विधि नहीं होती, इससे ज्यादा शॉर्ट विधि नहीं होगी। हमने ये बनाने सीख लिए, उनके बाद में फिर हमने प्रक्रियाएं सीख ली, बस यही समाप्त हो जाती है। और इनको दो बार तीन बार देखोगे आप और पीछे जाकर के अध्ययन करोगे तो ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, फिर इसमें कभी भी उलझाव नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।